Respected parents and my dear kids, Assalamu alaikum. Please open page number 43. It's page number 43, item 17, the. The is an article, the article है. उर्दू में से हरफ तनकीर कहते हैं. The किसी खास चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. जब हम किसी खास चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उससे पहले हम the का इस्तेमाल करते हैं. Now let's start our lesson. तो मोहतरम वालदैन, सबसे पहले आप पेंसिल पकड़ लें और साथ साथ मुश्किल अल्फाज के उर्दू में मायना लिखते जाएं ताकि बाद में जब आप बच्चों को पढ़ाएं तो उनको समझाने में और लेसन याद करवाने में आपके लिए आसानी हो. तो चलिए शुरू करते हैं. लुक, लुक मीन्स देखो. एट की तरफ, एट की तरफ. द बुक किताब. लुक एट द बुक, किताब की तरफ देखो. इज का मतलब हम पहले भी कई लेसन में पढ़ चुके हैं. इज का मतलब है. जब इस सेंटेंस के सेंटर में आता है, दरमियान में आता है, सेंटर में इस्तेमाल हो तो फिर इसका मतलब होता है. लेकिन जब इस सेंटेंस के स्टार्ट में, जुमले के शुरू में आता है तो इसका मतलब हो जाता है क्या है, यानी वो सवालिया बन जाता है. सिंपल बच्चों को समझाने के लिए हम यूँ बताएंगे कि जब जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क, ये मार्क क्वेश्चन मार्क सवालिया निशान आ जाए और इसका इस्तेमाल शुरू में हो तो फिर हम क्या करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, क्या है, क्या है. इज मीन क्या है. द बुक किताब. रेड सुर्ख. इज द बुक रेड, क्या किताब सुर्ख है. नो नहीं. द बुक किताब इज है, नॉट नहीं, रेड सुर्ख. नो द बुक इज नॉट रेड, नहीं किताब सुर्ख नहीं है. इट ये इज है ग्रीन सब्ज. इट इज ग्रीन, ये सब्ज है. लुक देखो. एट की तरफ. द रूलर फुट्टे. लुक एट द रूलर, फुट्टे की तरफ देखो. इज क्या है. द रूलर फुट्टा ग्रीन सब्ज. इज द रूलर ग्रीन, क्या फुट्टा सब्ज है. नो नहीं. द रूलर फुट्टा इज है, नॉट नहीं, ग्रीन सब्ज. नो द रूलर इज नॉट ग्रीन, नहीं फुट्टा सब्ज नहीं है. इट ये इज है येलो, पीला. इट इज येलो, ये पीला है. लुक देखो. एट की तरफ. द पेंसिल पेंसिल. लुक एट द पेंसिल, पेंसिल की तरफ देखो. इज क्या है. द पेंसिल पेंसिल येलो, पीली. इज द पेंसिल येलो, क्या पेंसिल पीली है. नो नहीं. द पेंसिल पेंसिल इज है, नॉट नहीं, येलो पीली. नो द पेंसिल इज नॉट येलो, नहीं पेंसिल पीली नहीं है. इट ये इज है ब्लू, नीली. इट इज ब्लू, ये नीली है. नाउ वी विल गो फॉर नेक्स्ट पेज विच इज पेज नंबर 44. पेज नंबर 44, आइटम 17, द. द इज आर्टिकल, हरफ तनकीर. टी एच आई एस, दिस. दिस मीन ये. आई एस इज मीन है. ए एक, क्लासरूम कमरा जमात. दिस इज अ क्लासरूम, ये एक कमरा जमात है. द सीलिंग, सी ई आई एल सील आई एन जी इंग, सीलिंग इज वाइट. द सीलिंग छत इज है वाइट, सफ़ेद. द सीलिंग इज वाइट, छत सफ़ेद है. द डोर, डी डब्ल्यू आर डोर, डोर मीन दरवाज़ा. इज है रेड, आई डी रेड, रेड मीन सुर्ख. द डोर इज रेड, दरवाज़ा सुर्ख है. टी एच ई डी फ्लोर, एफ एल डब्ल्यू आर फ्लोर, फ्लोर मीन फर्श. इज है ब्लू, नीला. द फ्लोर इज ब्लू, फर्श नीला है. द ब्लैक बोर्ड, बी एल ए सी के ब्लैक,
बी ओ ए आर डी बोर्ड ब्लैक बोर्ड तख्तासिया इज है बी एल ए सी के ब्लैक ब्लैक मीन काला द ब्लैक बोर्ड इज ब्लैक तख्तासिया काला है द नोटिस एन ओ टी आई सी ई नोटिस बी ओ ए आर डी बोर्ड नोटिस बोर्ड नोटिस बोर्ड मीन्स नोटिस बोर्ड इज है ग्रीन जी आर डब्ल्यू एन ग्रीन ग्रीन मीन सब्स द नोटिस बोर्ड इज ग्रीन नोटिस बोर्ड सब्स है द नोटिस एन ओ टी आई सी ई नोटिस नोटिस मीन नोटिस आई एस इज है वाइट डब्ल्यू एच आई टी ई वाइट वाइट मीन सफेद द नोटिस इज वाइट नोटिस सफेद है द विंडो डब्ल्यू आई एन विन डी ओ डब्ल्यू डो विंडो विंडो मीन खिड़की इज है ब्राउन बी आर ओ डब्ल्यू एन ब्राउन मीन्स ब्राउन या भूरी द विंडो इज ब्राउन खिड़की ब्राउन है या खिड़की भूरे रंग की है द स्काई एस के वाई स्काई स्काई मीन आसमान इज है ब्लू बी एल यू ई ब्लू मीन नीला द स्काई इज ब्लू आसमान नीला है द सी एस ई ए सी सी मीन समंदर आई एस इज है ब्लू बी एल यू ई ब्लू ब्लू मीन नीला द सी इज ब्लू समंदर नीला है सो टुडे वी हैव रेड टू पेजेस पेज नंबर 43 एंड 44 डियर मदर्स काइंडली बच्चों को पहले एक एक पेज करके इनके डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग याद करवाएं कॉपी पे स्केच बना के दें जैसे आपको हमने पहले लेक्चर्स में बताया डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखें और बच्चे याद करके उसके ऑपोजिट उसके सामने उनके उर्दू में मतलब लिखेंगे अगले दिन उनकी एक एक दो दो लाइनें करके उनकी ट्रांसलेशन याद करवाएं उर्दू में और फिर वो भी ज़ुबानी याद करवा के कॉपी पे लिखवाएं